खरगोन जिले के सेगांव में नए भवनों में सरकारी भवन स्थानांतरित कर दिए गए हैं, लेकिन पुराने भवन जर्जर होकर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इन भवनों को जिम्मेदार धराशायी नहीं कर रहे हैं। खस्ता हाल हो चुके ये भवन आसपास के लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र और विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय नए भवन में संचालित हो रहे हैं। पुराने जर्जर भवन ध्वस्त नहीं किए जा रहे हैं। बारिश का मौसम नज़दीक आ रहा है, ऐसे में कोई भवन कभी भी धराशायी हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि क्षेत्र के कई विभागों में उपयोग विहीन भवन हादसे का कारण बन सकते हैं। पानी की टंकी के नीचे जर्जर हो चुके भवन हैं। इस भवन के आसपास स्थानीय बच्चे खेलते हैं, जहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। नगर में बहुत सारे ऐसे पुराने जर्जर भवन हैं जो बारिश के समय खतरे की घंटी बन सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मेरा प्रशासन से कि जो मतलब पुराने जैसे मतलब नहीं अपना अस्पताल हुआ से गाँव का जो नई जगह शिफ्ट हो गया है, कृषि विभाग हुआ, अभी जैसे मतलब हॉर्टिकल्चर विभाग की भी जैसे हालत ख़राब है, तो ये कभी भी मतलब ज़्यादा बारिश में धराशायी हो सकते हैं। तो मेरा शासन से यही है कि मतलब या तो इनको मतलब पूरा इनकी व्यवस्था तो वहाँ हो गई है, जहाँ पर जैसे अभी मतलब कृषि विभाग अपने राबड़िया पे चले गया है, अच्छे मतलब अच्छी सुविधा हो गई है, तो इनको आप पूरा डिसमेंटल करके मतलब पूरा यह करके उनको ख़त्म किया जाए। प्रशासन किसी मतलब इसमें कहीं भी नया मतलब अपना विभाग बना के किसी भी मतलब ये शासकीय है मतलब अपना है तो उसको बराबर डिसमेंटल करके उसको नहीं इसमें ले सके। क्या नाम लिखते हैं आप? महेंद्र पाटीदार, सौर्य मछली। हमारे क्षेत्र में अधिकांश ऐसे पुराने जर्जर भवन हैं जो कि जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। बहुत सारे कार्यालय नई जगह शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन पुराने भवनों के बारे में अभी तक शासन कोई निर्णय नहीं ले चुका है। ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि भाई या तो इन भवनों को ध्वस्त किया जाए या इनको मरम्मत की जाकर इनको उपयोग में लिया जाए। सर, क्या हो सकता है और क्या नियम है और क्या करेगा? अभी जैसा कि अभी बारिश लगने वाली है, अतिवृष्टि और आंधी तूफान से ऐसे जर्जर भवन नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। हम लोग हर साल जो है डिसमेंटल होने लायक जो भवन होते हैं उसकी रिपोर्ट भेजते हैं, डिसमेंटल का ऑर्डर करवा के उसको डिसमेंटल किया जा सकता है। तो इस बार भी हम लोग यही करेंगे, जैसे बारिश से पहले अभी कोरोना से छुटकारा मिला है थोड़ा सा, तो अभी सर्वे करके जहाँ जहाँ ऐसे भवन हैं जीर्ण शीर्ण उसको मरम्मत होने लायक है तो उसको मरम्मत करवाएंगे, और जिस डिसमेंटल करने लायक हैं उसको डिसमेंटल करवा के, और नए ऑफिस शिफ्ट हो गए हैं उसको यूज़लेस हैं तो उसको डिसमेंटल करवा देंगे। ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर ये उपयोग में आते हों तो इनका उपयोग भी कर सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ नियम भी है कि इनको फिर से दुरुस्त करके किसी अन्य कार्यों में उपयोग लिया जाए? हाँ, जैसे कोई भवन डिसमेंटल करने लायक नहीं है, अच्छा है, तो उसको मरम्मत करके उपयोग में ले सकते हैं। तो उसको बहुत से कार्यालय ऐसे जो हैं कहीं कहीं छोटे छोटे कार्यालय मतलब भवन हैं वहाँ पर शिफ्ट हैं, तो उसको ये भवन में शिफ्ट करके थोड़ा सा कार्य को प्रगति दे सकते हैं। सर, क्या नाम लिखते हैं? प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।